बेलाडीला लॉ एस के पहाड़ियों में एनएमडीसी 1968 से उत्पादन कर रही है। एनएमडीसी ने अपनी शुरुआत भांसी गांव में कैंप लगाकर की, जहां पर पहला स्कूल परियोजना ने 1966 में बेलाडीला आयरन और प्रोजेक्ट स्कूल के नाम से 5वीं कक्षा तक के लिए खोला और धीरे धीरे शिक्षा की जोत जलाते हुए आज स्कूल ने 12वीं कक्षा तक का सफर तय करते हुए अपना 56वां वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। बेलाडीला की लाल पहाड़ियों के नीचे BIOM स्कूल के प्रांगण में बच्चे ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें सभी राज्यों का समावेश करते हुए बच्चों ने एक से बढ़कर एक नृत्य किया। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने प्रस्तुति देकर बॉर्डर में लड़ रहे सैनिक की शहादत पर जब अपने मृतक साथियों के शव को कंधे में उठा कर ले जाते हुए प्रस्तुति दी, उस दौरान सभी की आंखों से आंसू उछल पड़े। बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम देखने पहुंचे। आपको बता दें कि इस स्कूल में पास होकर एक से एक बच्चे निकले हैं, जो देश में नहीं विदेश में भी अपना देश का नाम रोशन कर रहे हैं। स्कूल की शिक्षिका अनुपमा भद्र ने बताया कि मैं खुद इस स्कूल में पढ़कर आज यहाँ की लेक्चरर हूँ। हम लोगों ने आसाम से लेकर नेपाल, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की नृत्य की, हमारे बच्चों ने प्रस्तुति दी है। एकता की अखंडता की मिसाल हमारा स्कूल बना है। आज हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे स्कूल का 56वां वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम लोगों ने जो स्टेज बनाया है वह भी पूरी बस्तर की झलकियां दर्शाते हुए हमारे बच्चों ने बनाया है और यह हम सब के लिए गर्व की बात है। ऐसे आदिवासी बहुत नक्सल क्षेत्र में हम शिक्षा की जोत बरसों से जलाए हुए हैं, जो दिन प्रतिदिन नए मुकाम हासिल कर रही है। शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ और मैं इसी विद्यालय में मैंने अध्यापन कार्य किया है। यह विद्यालय 1966 में प्रारंभ हुआ जब हम काफ़ी छोटे थे और आज हम 56वां वार्षिक उत्सव मनाने एकत्र हुए हैं। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैंने इसे नीचे स्तर से लेकर आज इतने ऊंचाई शिखर पर देखा है और इस कार्यक्रम को हमारे सभी साथियों ने बहुत ही सहभागिता दिया है, जिसमें हर प्रांत, हर राज्य, यहाँ तक कि आज हमने एक जो प्रोग्राम प्रस्तुत किया है उसमें इंडो नेपाल फ्यूजन कल्चर प्रोग्राम था, जो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि आज तक हमने भारत के विभिन्न राज्यों के बारे में हमने नृत्य पेश किया है और आपसी भाईचारे को दर्शाया है। लेकिन ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है, हमने एक विदेश के साथ जो मैत्री संबंध, जो हमारा पड़ोसी देश नेपाल है उसके साथ हमने जो मैत्री संबंध स्थापित किया है उसके बारे में हमने आपके समक्ष रखा, वहाँ की कल्चर, वहाँ की संस्कृति, साथ ही उसके साथ हमने असम के बारे में भी बताया, असम के साथ हमने पूर्व नॉर्थ ईस्ट बंगाल के बारे में बताया, यानी कि कहने का तात्पर्य है हम भी सुप्रीम भाषा को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। साथ ही यहाँ पंजाब के लोक नृत्य का भी सभी लोगों ने लुप्त उठाया, गुजरात, यानी भारत विविधताओं में एकता का देश है, अनेकताओं में एकता का देश है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही मिसाल है, बेमिसाल है और इससे बड़ी गौरव की बात कुछ भी नहीं हो सकती है। भारत एक है और हमेशा एक ही रहेगा, अनेकता में एकता का यही प्रतीक है, यही संदेश है। जय भारत, जय हिंद। हाँ बताओ बेटा, कैसा होना? राज्य के बारे में बताया गया और हमने इसे बहुत अच्छे से जाना, जिससे हमें यहाँ पता चला कि भारत एक एकता में अहमता का देश है, जिसमें हर धर्म के लोग और जाति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। कैसा लग रहा है आपको आपका जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने क्या डांस किया? हमने आसामी और नेपाली राज्य के बारे में बताया और हमें बहुत अच्छा लगा उसे डांस करके और दूसरों को बता के।